और जौनपुर जनपद से जहाँ साहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार की सुबह सरपतहाथ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर रदौली गांव निवासी सिकंदर तीस को लेकर उसकी माँ सादा इलाज के लिए पहुंचे। उसका इलाज पहले से आजमगढ़ में चल रहा था और ज्यादा तबीयत खराब हुई थी। सादा उसे लेकर उपचार के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां अपने बेटे को फर्श पर लिटाकर चिकित्सक से इलाज की वह मिन्नत कर रही थी। इसी बीच बीमार सिकंदर की मौत हो गई। अस्पताल की चौखट पर हुई इस मौत के बाद लाचार माँ बेटे के शव को टेम्पो में लाद कर घर लेकर चले गए। इस संबंध में पूछे जाने पर चिकित्साधिकारी अमित सिंह ने कहा कि अस्पताल आने के बाद सिकंदर के उपचार की तैयारी कर रहे थे। इलाज शुरू होता इसके पहले ही सिकंदर की मौत हो गई। दो दिनों पूर्व जौनपुर जिले के ही एक पीड़ित को वाराणसी में इलाज न मिल पाने की वजह से उसकी मौत की घटना सामने आई थी। दरअसल उस मामले में भी इलाज न मिल पाने की वजह से ऑटो में बेटे को लेकर दर दर भटकी बेबस माँ के सामने ही कदमों में बेटे ने दम तोड़ दिया था। इन दिनों कोरोना संक्रमण की वजह से अन्य बीमारी के मरीजों के सामने मानो मौत तांडव कर रही हो। कोरोना के भय से डॉक्टर इन बीमारियों के मरीजों को भी हाथ नहीं लगा रहे। ऐसे में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के मरने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। जौनपुर जिले में संबंधित तीनों दिनों के अंतराल में दो मामले आए, जिनमें मां के सामने ही उनके लाल ने दम तोड़ दिया। मानवीय संवेदनाओं को तार तार करती यह स्थिति लोगों के सामने सबसे बड़ी दुश्वारी साबित हो रही है। Hey, 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 hey